खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे इस साल हरियाणा के साथ महाराष्ट्र झारखंड के भी विधानसभा चुनाव होने हैं। माना यह जा रहा है कि चुनाव लोकसभा के साथ कराए जा सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह की संभावना से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है, अक्टूबर में यहां चुनाव होने हैं, जबकि लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई में कराए जाएंगे। माना जा रहा है कि गठबंधन की राजनीति की वजह से यहां जल्द चुनाव हो सकते हैं। शिवसेना और बीजेपी में गठबंधन तय लग रहा है और दोनों की आधी आधी सीट पर लड़ने की बात भी सामने आ रही है। उधर बीजेपी में भी एक शशि थरूर टाइप के नेता हैं। शशि थरूर की खबर हमने दिखाई है आपको। ये नेता कुछ ना कुछ ऊट पटांग बोलकर चर्चा में रहते हैं। कर्नाटक के रहने वाले हैं, मोदी सरकार में स्किल डेवलपमेंट मंत्री हैं। अब उन्होंने राहुल की जाति और धर्म पर गंदी टिप्पणी की है। अप्पा मुसलमान, ताई क्रिश्चियन, मग ब्राह्मण, गांगप बंत अप अल्री नमगे निम्गे अर्थ आगत अल आखोपड़ी अर्थ आगल बहुत रीतिया हाइब्रिड तली जगत ये लैबोरेटरी ऊट पटांग बयानों से चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े एक बार फिर से चर्चा में हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में एक कार्यक्रम के दौरान हेगड़े ने राहुल गांधी के धर्म और जाति पर सवाल उठा दिए। बहुत हाइब्रिड तली जगत लैबोरेटरी हेगड़े ने अपनी बातों की बंदूक राहुल की तरफ इसलिए घुमा दी है क्योंकि दो दिन पहले ही राहुल गांधी ने हेगड़े को केंद्रीय मंत्री पद के लिए अयोग्य करार दिया था। राहुल का ये ट्वीट हेगड़े के उस बयान के बाद आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई हिंदू लड़की को छुए तो वो हाथ नहीं बचना चाहिए। ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಅದು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಅಕ್ಕೈ ಇರಬಾರದಲ್ಲಿ। अब राहुल की जाति के बारे में विवादित बयान देने वाले हेगड़े से कांग्रेस उनके खानदान के बारे में पूछ रही है। और अनंत कुमार जैसे हेगड़े जैसा आदमी हेडलाइंस में रहने के लिए हमेशा करते रहता है, ये अपना खानदान क्या है कहाँ ता करके पहले पता करने दीजिए, उस बाद में दूसरों के बारे में टिप्पणी देना ठीक है? खुद का खानदान का ठिकाना नहीं है, दूसरों के बारे में बात करते हैं। अनंत हेगड़े बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और चुनाव से पहले उनकी जुबान से ऐसे ही ऊट पटांग बयान निकलते हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। चुनाव में ये बयान उन्हें भारी भी पड़ सकता है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।